तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि ए बी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अपन को प्रूफ करना है कि 30 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स b² प्लस 2 टाइम्स c³ / 9 प्लस 36 टाइम्स 1 by ab प्लस 1 by bc प्लस 1 by ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू 84। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 5 नंबर्स लेता हूँ, एक b² / 4 एंड एक 2 by ab एंड एक 2 by ab। इस तरीके से मैंने लिए। अब मैं यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊंगा तो समेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर 1/5 ये बचेगा, तो ये भी यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स a प्लस b² / 4 प्लस 2 टाइम्स 2 बाय ab यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस तरीके से मैंने वो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अपने पास ये चीज आई। अब वैसे ही मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ b² / 4 b² / 4 b² / 4 3 बार मैंने ये लिया, और c³ / 27 c³ / 27 2 टाइम्स मैंने ये लिया एंड 6 टाइम्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 by bc, तो ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इन सब का समेशन तो 3 टाइम्स b² / 4 प्लस 2 टाइम्स c³ / 27 प्लस 6 टाइम्स 6 बाय bc एंड टोटल अपने पास ये 11 टर्म्स है, तो बाय 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो ये बी एंड सी वाली टर्म्स तो सारी कैंसिल हो जाएगी एंड बचेगा कि अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 6 ये 27 का स्क्वायर एंड यहाँ पर ऊपर अपने पास बचेगा अगर अपन देखे तो 6 का पावर 6 बच रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से है ये यहाँ पर। तो इधर अगर मैं चेक करूँ तो इसको मैं यहाँ पे 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 6, तो ये मेरे पास बेसिकली 6 का पावर 6 ही है जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा एंड होल पावर 1 बाय 11 तो वो 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो उसका मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 टाइम्स b² / 4 प्लस 2 टाइम्स c³ / 27 प्लस 6 टाइम्स 6 बाय bc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, इस तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पर c³ / 27 ले रहा हूँ एंड 3 टाइम्स यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ एंड 3 टाइम्स यहाँ पे मैं 3 बाय ca ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अप्लाई करें तो इन सब का समेशन कर देता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर जैसे c³ / 27 आएगा a मल्टीप्लाई बाय a आएगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने 3 टाइम्स ये लिया है एंड यहाँ पे 3 बाय ca आएगा 3 बाय ca एंड 3 बाय ca। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है एंड ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये पावर 1/7 आ जाएगी। तो अपन देखेंगे तो c³ / 27 प्लस 3 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स 3 बाय ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ रहा है अपने पास। तो ये 3 चीज आई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मुझे जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मुझे ये है, ये मुझे लेके आना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली है जो उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो मेरे पास आई थी तो ये 9 टाइम्स 2a + b² / 4 प्लस 2 टाइम्स 2 बाय ab है, ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो जाएगा एंड ये अपने पास आया ही था यहाँ पर, ये अपने पास है क्या ऐसे कैसे। और इस वाली को मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो 4 टाइम्स c³ / 27 प्लस 3 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स 3 बाय ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पर देखते हैं क्या आता है अपने पास। तो यहाँ से देखोगे तो 12 टाइम्स है तो इधर से आ रहा है एंड 9 टाइम्स 2a इधर से आएगा तो टोटल 30 a हो जाएगा अपने पास। एंड वैसे यहाँ पर देखेंगे तो 9 टाइम्स b² / 4 आ रहा है, तो 9 टाइम्स b² / 4 आया एंड इससे चेक करें तो 3 टाइम्स b² / 4 आ रहा है और इधर से कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स b² / 4 आया। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये 3b² हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन को यही बनाना है 30 a एंड 3b². नेक्स्ट अपने पास जो है वो अपन चेक करें तो अपन को यहाँ पर c³ से रिलेटेड टर्म देखनी है, c³ से रिलेटेड क्या आ रही है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा
एंड यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 क्यूब 2 टाइम C³/27 आ रहा है, एंड वैसे ही यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे तो 4 टाइम C³/27 आ रहा है, तो 6 टाइम C³/27 आ रहा है, तो ये 2/9 टाइम C³ हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये 2/9 टाइम C³ आएगा, एंड वैसे ही अपन बाकी की टर्म्स भी अपन ला सकते हैं, 36 टाइम्स 1/AB। तो इसको अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर ये इससे देखोगे तो ये 36 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय AB बनेगा इससे। यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में चेक करें तो इसमें 3 को ये पूरा ही है, मतलब यहाँ पे ये इतना ही वाला पार्ट ये पूरा यहाँ पर ये 36/BC इधर से, एंड इस वाले से देखेंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36/CA बनेगा। तो ये तीनों को ऐड कर देता है तो ये अपना ये रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। और यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इधर से 45 आया अपने पास, एंड इधर से अपने पास 11 आया, एंड इधर से 28 आया, ये 28। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 45 + 11 + 28, और ये सम करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास 84 आएगा, जो अपन को प्रूफ करना था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 84 है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।